Hello students, how are you? I hope you all are fine at home. In previous classes, we already discussed about addition and subtraction. In this class, we know where the addition and subtraction are used in our life. हमार लाइफ में कहां कहां पर addition subtraction का यूज होता है, कब यूज होता है, ये हमारे लाइफ में होता है कि नहीं, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे. Okay? First problem is, Rajiv purchased a sofa set and a dining set costing 36,875 and 87,365 respectively. How much money has to pay in all? Rajiv ने एक sofa set and एक dining set खरीदा, जिसका price था कि sofa set का price था 36,875 एंड डाइनिंग सेट का प्राइस था 87,365. तो टोटल राजीव को कितना पैसा देना पड़ा देखते हैं. क्या करेंगे उस केस में, इतना दिया ये इतना दिया, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इस केस में, हम एडिशन करेंगे. क्या करेंगे? एडिशन कॉस्ट ऑफ सोफा सेट कितना है बेटा, दैट इज 36,875. ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ रुपीस. ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ रुपी एंड कॉस्ट ऑफ डाइनिंग सेट इक्वल टू कितना दिया है 87,365. टोटल मनी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडिशन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा बेटा, एडिशन करना पड़ेगा. तो ऐड करो, कितना होगा, वन्स प्लस के साथ ऐड होगा, 5 + 5 दैट इज 5 1 + 5 1 दैट इज 10 और नॉट राइट 0 अंडर एंड 1 कैरी ओवर 10th प्लेस. ओके, 8 + 7 दैट इज 13 + 1 14 टेंस हो जाएगा, कितना टेंस हो जाएगा, 14 टेंस राइट फॉर 1 कैरी ओवर टू 100th प्लेस. ओके, नाउ ऐड 8 + 3 8 के साथ अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 11 + 1 12 1200 हो जाएगा, 2 रखेंगे 1 कैरी ओवर टू 1000th प्लेस. ओके, 7 + 6 दैट इज 13 13 + 1 14 14,000 कितना होगा 14,000 होगा, फॉर नीचे रखेंगे 1 कैरी ओवर टू 10,000 प्लेस. ओके, नाउ 8 + 3 कितना होगा 11 11 + 1 दैट इज 12. ओके, दिस इज द टोटल कॉस्ट. ओके, पुट कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, दिस इज द टोटल कॉस्ट. कितना हो गया टोटल कॉस्ट, कितना है 1,24,240. Therefore, total cost कितना है बेटा, total cost that is 1,24,240. अगर ये आया total cost तो क्या लिखना पड़ेगा, therefore राजीव has to pay 1,24,240 in all, इतना उसे देना पड़ेगा. Now we going to next question. Next question is, the cost of a video set is 18,975 and the cost of a TV set is 8,795. More than the video set. What is the cost of the TV set and what is the total cost of the video set and the TV set? क्वेश्चन ये दिया है कि cost of video set 18,975 दिया है and the cost of TV set is 8,795 more than the video set.
टीवी सेट वीडियो सेट से 8795 ज्यादा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टीवी सेट एंड व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द वीडियो सेट एंड द टीवी सेट। फर्स्ट कॉस्ट ऑफ वीडियो सेट इज 18,975 एंड कॉस्ट ऑफ टीवी सेट इज कितना होगा। टीवी सेट इक्वल टू कितना होगा वीडियो सेट से ये इतना ज्यादा है। इसका मतलब इसके साथ अगर ये एड कर देंगे तो हाउ मच क्या मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ वीडियो सेट दैट इज 18,975 प्लस 8,795 एड कर लो पहले इसको कितना होगा एड करेंगे तो देखो 18,975 प्लस 8,795 एड कर दो 5 + 5 = 10 10 ones 0 1 कैरी ओवर ओके 9 + 7 दैट इज 16 + 1 = 17 1 कैरी ओवर ओके 9 + 7 1600 + 1 = 1700 ओके 8 + 8 = 16 + 1 = 17,000 सेवन राइट हियर वन कैरी ओवर दीज आर द कैरीज ओके 1 + 1 = 2 दिस इज द कॉस्ट ऑफ टीवी सेट दैट इज इक्वल टू 27,770 नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ वीडियो सेट एंड टीवी सेट इक्वल टू क्या होगा टीवी सेट इक्वल टू क्या करना पड़ेगा हमें वीडियो सेट के साथ टीवी सेट का ऐड कर देंगे। वीडियो सेट के साथ किसको ऐड करेंगे टीवी सेट। कॉस्ट ऑफ वीडियो कितना है दैट इज 18,975 प्लस टीवी सेट कितना आ गया 27,770 इन दोनों को ऐड करो 18,975 प्लस 27,770 क्या करना पड़ेगा हमें एडिशन करना पड़ेगा। देखो 5 + 0 = 5 ओके 7 + 7 दैट इज इक्वल टू 14 14 times 4 = 1 कैरी ओवर ओके 9 + 7 दैट इज 16 + 1 = 1700 7 100 कैरी ओवर ओके 8 + 7 दैट इज 15 + 1 = 16,000 1 कैरी ओवर ओके 2 + 1 = 3 3 + 1 = 4 10,000 दैट इज 46,745 बट व्हाट इज द आंसर 46,000 टोटल प्राइस कॉस्ट इक्वल टू 46,745 दिस इज आवर आंसर द टोटल कॉस्ट ऑफ वीडियो सेट एंड टीवी सेट इक्वल टू 46,745 Our next question is Mr. Rao earned 20,160 rupees per month. His total monthly expenditure is 11,975. How much does he save every month? Mr. Rao इतना income कर रहा है monthly. Total expenditure of that month is इतना होगा 11,975. हाउ मच डोज ही सेव एवरी मंथ। अगर इतना इनकम कर रहा है और खर्च इतना कर रहा है तो क्या हम क्या करेंगे उसका सेविंग निकलने के लिए क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे ओके क्या है टोटल मंथली इनकम कितना है 20,160 रुपीज ओके
total monthly expenditure, that is 11,975. तो मंथली सेविंग कितना होगा, मंथली सेविंग इक्वल टू क्या होगा, इसको इसको इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वल टू दैट इज 20,160 रुपीज माइनस 75, कितना होगा आंसर करो इधर, 20,160 माइनस 11,975 जाएगा नहीं, जीरो नहीं जाएगा तो क्या करेगा, जीरो बरो करेगा इधर से, वन टेंस बरो करेगा, कितना बरो करेगा, वन टेंस बरो करेगा, इसके पास कितना हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, वन टेंस टेन वन से फाइव जाएगा तो 5 होगा, इसके पास कितना था अभी, 5 tens था, कितना था, 5 tens था, 5 tens से 7 जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या करेगा ये 100 से इसे ये बरो करेगा, क्या करेगा, बरो करेगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा 15 tens हो जाएगा कि नहीं, 100 plus 5 tens दैट इज 100 plus 10 tens और ना 10 tens प्लस 5 tens दैट इज 15 tens, 15 tens माइनस 7 tens कितना होगा, 8 tens होगा, ओके इसकी इससे अगर वो वन लिया था, इसके पास कुछ होगा, इसके पास कुछ नहीं होगा, इसके पास तो जीरो था, ये अभी बरो करेगा इसे, इसके पास है क्या कुछ, इसके पास तो नहीं है, तो ये क्या करना पड़ेगा इसे, ये इससे बरो करेगा, ये इससे बरो करेगा, इसको देगा, इसके पास 10,000 होगा, फिर 10,000 इससे दे देगा, इसके पास हो जाएगा, देखो फिर ये इससे दे देगा, किसको देगा, 10 hundreds देगा, कितना देगा, 10 hundreds देगा, 10 hundreds देगा, इसके पास कितना बच जाएगा, इसके पास 9 बच जाएगा, 9,000 बच जाएगा, ओके 1,000 से ले दिया तो इसके पास कितना बचेगा, 9,000 बचेगा, अब करो 10 minus 9 दैट इज 1, इसके पास कितना है, 9,000 है, 9,000 minus 1,000 दैट इज 8,000, 1,000 था, इसके पास कितना होगा, 1,000 से 1,000 से 0 होता है, ओके तो कितना हो गया टोटल 8,185, मंथली सेविंग कितना है, 8,185 रुपीस, दैट्स ऑल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ऑल इंडिया एग्जामिनेशन 2,87,300 कैंडिडेट्स अपीयर, आउट ऑफ दीज 97,435 फेल, हाउ मेनी कैंडिडेट पास, एक एग्जाम हुआ था ऑल इंडिया एग्जाम, वहां पर 2,87,300 लोगों ने एग्जाम दिए थे, उनमें से 97,435 लोग फेल हो गए, तो कितना लोग पास हो गए, कितना कैंडिडेट्स पास हो गए, ये हमारा क्वेश्चन है, एक एग्जाम होता है, एग्जाम में कोई पास होता है या फेल होता है कि नहीं, ऐसे ही कुछ कैंडिडेट फेल हो गए और कुछ कैंडिडेट पास हो गए, तो फेल कैंडिडेट का नंबर हमें पता है, तो पास कैंडिडेट कितने होंगे, क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या होगा देखो, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड एग्जाम इक्वल टू कितना है, 2,87,300, ओके टोटल नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट कितना लोग फेल हो गए, 97,435. Then how many candidate pass? Total number of candidate passed
कॉस्ट कितना होगा, इससे ये अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 287,300 माइनस 97,435। इसका अगर इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करो 287,300 माइनस 97,435। ओके, देखो 0 1s माइनस 5 1s ये तो नहीं जाएगा क्योंकि 0 छोटा है 5 से। 5 क्या करेगा, ये बड़ा करेगा इसे, इसके पास भी नहीं है तो किधर से बड़ा करेगा, इसके पास है, ये बड़ा करेगा। इसके पास अभी 1, इसे पास 100 इसे दे देगा, कितना देगा 100 देगा, 100 करो 10 10s, तो 10 10s इसे अगर दे देगा तो ये अभी दे सकता है इसे, फिर ये दे देगा, इसके पास हो जाएगा कितना, ये अगर इसे दे देगा तो इसके पास हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसके पास बच जाएगा कितना 9 10s हो जाएगा, 10 1s माइनस 5 कितना होगा 5, इसके पास कितना बचा है 9 बचा है, 9 माइनस 3 दैट इज 6, इसके पास कितना था अभी 2, क्योंकि 100 तो इसे दे दिया था, 200 से बचा है, 200 माइनस 400 ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 200 इज स्मॉलर देन 400, तो क्या करेगा 200 इससे बड़ा करेगा, 1000 बड़ा करेगा, कितना था बड़ा करेगा 1000 बड़ा करेगा, 1000 मींस 1000s, 1000s बड़ा करेगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा दैट इज 1200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसके पास 1200 हो जाएगा, इसके पास कितना बच जाएगा 6000 ही बचेगा, 1000 दे देगा तो 6000 ही बचेगा, तो इसके पास कितना होगा 1200 होगा, 1200 माइनस 400 दैट इज 800। देखो इसके पास अभी कितना है 6000 है, 6000 से 7000 जाएगा क्या, नहीं, तो क्या करेगा इसे, ये इसे मांगेगा, क्या करेगा इसे, ये मांगेगा इसे, ये बोरो करेगा, ये क्या करेगा इसे दे देगा, इसके पास कितना बच जाएगा अभी 7 10000 बच जाएगा, ओके 7 10000 बच जाएगा, इसके अगर 1 10000 दे देगा तो 10000 प्लस 6000 ताकि इसके पास हो जाएगा 16000 हो जाएगा, 16000 माइनस 7 ये तो होगा अभी 16000 माइनस 7 कितना है दैट इज 9000, इसके पास अभी कितना है, इसके पास अभी 7 10000 है, 7 10000 माइनस 9 10000 पॉसिबल होगा, ये भी छोटा है कि नहीं, तो क्या करेगा इससे ये 100000 बड़ा करेगा, 100000 मीन्स 10 10000 अगर इसे मांगेगा ये, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 7 10000 था तो कितना हो जाएगा 17 10000 हो जाएगा, कितना 10000 होगा 17 10000, 17 10000 से 9 अगर जाएगा तो 8 10000 हो जाएगा, इसके पास कितना है अभी 1 है, कितना है अभी 1 है तो 1 होगा, कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट पास किए होंगे 189,865, तो नंबर पास कितना होगा दैट इज 189,865 स्टूडेंट आर पास्ड इन दैट एग्जामिनेशन। माय डियर स्टूडेंट, आज हम सीखे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हमारे लाइफ में कहां पर ये यूज हो रहा है, किस किस जगह पर हम एडिशन करेंगे, किस जगह पर सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसके बारे में आज हम डिस्कशन किए। दैट्स ऑल अबाउट टू डिस्कस।